बहुत ही ज्यादा इनसेन इनसेन होने वाला है। गाइस रात का 3 बजे कैसे खाया जा रहा है देख रहा है विनोद। ये 2024 का हमारा फर्स्ट ट्रिप होने वाला है। ऐसे ट्रैवल तो मैं करती ही रहती हूँ लेकिन ट्रिप वाइज ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बड़े दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये व्लॉग बेसिकली ट्रैवल वीडियो होने वाला है। ट्रैवल तो ऐसे मैं करती रहती हूँ लेकिन ट्रिप वाइज ये हमारा 2024 का फर्स्ट ट्रिप होने वाला है। और हम सारे दोस्त मिलके जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इनसेन इनसेन होने वाला है, क्योंकि मतलब अब तक हम जितना ट्रिप्स लिए हैं किसी ट्रिप के लिए भी इतना शॉपिंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं। मतलब हम बस टिकट्स करके निकल जाते थे और इस बार मतलब ऐसा हो रहा है सब शॉपिंग कर रहे हैं। भाई साहब क्या ही पागलपंती हो रहा है। मतलब शॉपिंग वॉपिंग मतलब हाफ डन है, आधा होना बाकी है ऐसा कुछ। पहले तो हम लोग का बोर्डिंग स्टेशन अलग अलग था, मतलब मिल जाते एट वन पॉइंट, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हमारा ट्रेन डाइवर्ट हो गया है तो वी नीड टू गो एट अ प्लेस और फिर वहाँ से हमें लेना पड़ेगा हमारा ट्रेन। मतलब जो ओरिजिन है हम वहीं जा रहे हैं। और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा हम जा रहे हैं केरला। वैसे केरला मैं जा चुकी हूँ पहले भी, 2015 में मैं गई थी, बट दैट वॉज अ ट्रिप टू डिवाइन रिट्रीट सेंटर अपने चर्च के फादर के साथ, जो हमारे यूथ डायरेक्टर हैं, और बाकी यूथ के साथ मैं गई थी। एक स्पिरिचुअल वाला ट्रिप था टुवर्ड्स दैट। और अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आज हो रहा है 4th of May और हमें निकलना था यहाँ से 8th को, लेकिन क्योंकि आई टोल्ड यू द स्टोरी जो हमारा ट्रेन डाइवर्ट हुआ है तो उसी के लिए हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से 7th शाम को। तो वही सब सीन है और जो सिचुएशन बना है कि यहाँ से हम जा रहे हैं 5 लोग एंड 4 लोग हमें वहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, तो 5 के 5 हम यहाँ पे मिलने वाले हैं, मतलब मेरे घर पे, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो या लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड और सो इज एवरीवन। हमारे ट्रिप का दिन आ चुका है और अभी तक पैकिंग नहीं हुआ है। मैं जस्ट कल ही अपना ज्वेलरी वगैरह सॉर्ट कर रही थी और पैकिंग फ़िलहाल 0 पे अटका हुआ है। शाम को ऑफिस से आके पैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 ही दिन बाकी है भाई और मतलब कुछ भी नहीं हुआ है तो कहीं छूट ना जाए, तो पैकिंग पहले से कर लेना चाहिए। हेलो हेलो, शाम हो चुकी है, मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और थोड़ी देर पहले ही पहुँची मैं। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता जो कि है एग चॉप। वो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। अभी मैं बॉईल होने के लिए बैठा दी हूँ अंडे को और नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर कपड़े वपड़े धोने हैं और पैकिंग भी है। बहुत सारा काम है यार, नहीं आजकल ऐसा होता है, पता नहीं समर के लिए ऐसा है या मतलब क्यों पता नहीं, बट मैं ऑफिस से आके ना बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, बस ऐसे मतलब बेड में पड़े रहो वाला फीलिंग ही आता है। पर अभी फ़िलहाल करते हैं नाश्ते का प्रिपरेशन। ओके,
रात को इतना करके मैं सो गई। गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे और आज है 5th of June। कल आ रही है आलोका और बाकी लोग आने वाले हैं परसों को ऑन द डे ऑफ अ जर्नी। तो अभी फ़िलहाल रेडी वेडी होना है और ऑफिस के लिए निकलना है। आज ऐसे सुबह से उठ गई थी, मतलब 8 बजे करीबन, और वही फ्रेशन अप, मतलब ब्रश व्रश करके फिर अपना नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर रही थी। तो चलो रेडी होते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। देखते ट्रिप का टाइम पहुंच गया है और अभी जस्ट आलोका से बात हुआ, वो कल निकल रही है अपने घर से मेरे यहाँ आने के लिए और बाकी लोग तो परसों आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। फाइनली द ट्रिप केम आउट फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप चैट। चुका है और फिलहाल सोने की तैयारी। जब भी मुझे टायर्ड फील होता है ना, मतलब ऐसे लगता है अरे बुढ़ापा आ रहा है, इसीलिए इतना टायर्ड फील हो रहा है। लेकिन नहीं, वी हैव टू बी एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक ताकि जिंदगी जिंदा रहने टाइप्स लगे। तो वही है सीन, अभी फिलहाल सो जाएंगे और कल मिलते हैं। कल आ रही है आलोका, सुबह उठ के फिर घर वर थोड़ा ठीक करना है, मतलब दिखना चाहिए कि इंसान रहता है यहाँ पे, पता नहीं वरना क्या ही सोचेगी वो। तो घर वर ठीक करना है, फ्रेशन अप होके फिर ट्रेन टाइमिंग उसका चेक करके फिर उसको पिक करने जाऊँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। Next morning. डिनर करके सो गए थे, थोड़ा देर पड़े रहे, टाइम पास किया। अभी फ़िलहाल रेडी वेडी होके मैं जाने वाली हूँ ऑफिस। हम लोग का जो ट्रेन था यहाँ से टाटा का, मैंने बताया नहीं था, टाटा का जो ट्रेन था वो भी लेट चल रहा है। तो थोड़ा सा टेंशन है कि कैसे क्या होगा। अभी फ़िलहाल नाश्ता वास्ता करेंगे और उसके बाद मैं जाऊँगी ऑफिस, बाकी लोग आएंगे दोपहर को। तो वही है सीन, क्या करना है क्या नहीं, थोड़ा सा टेंशन चल रहा है। बाकी या ऑल इज़ गुड। तुम पूरी बनाओ ना। जर्नी का खाना नहीं दिखाई। ये हम लोग का जर्नी का खाना वाना बन रहा है ताकि ट्रेन का खाना ना खाना पड़े।
और इधर बाकी रिमेनिंग काम हो रहा है। इतनी प्रिटी वाली कांता भाई। अरे फाइनली ऑफिस से घर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है क्या? हाँ हाँ नगर, फिर अगली ट्रेन है हमारी 5 बजे सुबह। चलो 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 पीने को मिल रहा है। आई एम वेरी मच हैप्पी। मुंह धोने का हिम्मत नहीं है। आलू काजू खिला रही। तुझे यहाँ पे पूरा स्विगी जोमेटो वाला फैसिलिटीज मिलेगा सब खाना। पहले जो लेके आए हैं वो खत्म करना, उसके बाद जो ऑर्डर करना है करना। क्या भेजे हो आप? काटा वाला उस भेजे थे शायद पहले भी। हाँ खाऊंगी खाऊंगी। देव थोड़ा सा दो तो इतना नहीं खाऊंगा। हाँ रे थोड़ा सा ले ले। मजा लगा ना? टैलेंट है वो जो लंबे से होके थे वो तेरे भैया दो जन थे। हाँ लंबे और हट्टे कट्टे। गाइस रात का 3 बजे कैसे खाया जा रहा है देख रहा है विनोद। और इधर 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 भी देखो। खाई नहीं खाई नहीं खाई नहीं मजा लगे छे ना। कितने दिन बाद में खाई? मैं बोलने वाली थी आंटी को। कितने दिन इकट्ठे बस के खाऊ छु को रात के 3 बजे? हां इकट्ठे बस के मेरा पेट पूरा चल रहा है। सही है ना? मैं बोलने वाली थी आंटी को बोलेंगे क्या केक बनाने के लिए जो मैं ले लूं। ओ दे आ एक जन तो निकल लिया टहलने भटकती आत्मा बने रहे। गाइस हमारे ब्लॉग में गाइस और एक आइटम है ये देखो ये आलू का लेके आई है। आंटी बनाए हैं आंटी हैंडमेड मेड विद लव हैंडमेड। और क्या दिखा रहे? और क्या दिखाएं? अरे पूरा बैग थोड़ा दिखाओ खजाना दिखा हम बता को पूरा खोलना पड़ेगा।
ये देखो इधर ढेर सारा खाना और इधर भी है। ये देखो गाइस खाना और भी है। शाम का नाश्ता का जुगाड़ हो रहा है। इधर हम लोग का किचन, मिनी किचन। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस हम लोग पहुंच गए हैं आलू बा है ना, और हम लोग का नेक्स्ट ट्रेन है कितना 6 बजे और अभी हो रहा है 3:30, तो अभी वेट करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है, नींद में है? नहीं, चंगा लग रहा है। चंगा लग रहा है बुरा लग रहा ट्रेन में रहना था क्या तुम कर रहे बच्चा लग रहा है बच्चा लग रहा है मजा आ रहा है हमको तो नींद आ रहा है हम सोते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं जब नेक्स्ट ट्रेन आता है। तो अभी 2.5 आवर्स है इधर हम लोग का आलुआ में, तो बने रहिए हमारे सफर में।
हम लोग अभी ट्रेन का इंतजार करते हुए मॉर्निंग कॉफी पी रहे हैं। बाकी लोग इधर बैठे हैं, बिजी डिस्कशन, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। मेरा बाल खड़ा हो गया। स्पाइक्स, नेचुरल स्पाइक्स। डे 4 ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग। Beautiful man, wow, मस्त है पूरा, दिल खुश हो जा रहा है, आंखों को सुकून। Can you see that? Clouds touching the mountains. Wow, farming चल रहा है उधर। और कुछ देर उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे, हम लोग का destination में। अभी अपना ही ट्रेन है, लास्ट स्टॉपेज तरफ अपना ही ट्रेन है, हम लोग पूरा फैल के बैठे। फाइनली 4 दिन का ट्रिप। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कन्याकुमारी, सदर एंड पॉइंट पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारे फन होने वाले हैं, मजे होने वाले हैं। चलो चलो चलो, मजे मजे। एज यू कैन सी हम लोग पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी, अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, मेन स्टेशन जो है उधर 1 किलोमीटर जैसा तो है, चल के जाना है। हम लोग होटल पहुंचने वाले हैं, चल चल के सबका हालत खराब, और सामने से कोई आ रहा है। बाकी 3 लोग हम लोग को ज्वाइन करने वाले हैं, तो दिखाता हूं मैं वो 3 लोग कौन कौन हैं। ये है पहला इंसान, थोपड़ा तो दिखा दे रहे भाई, रोशन, और बाकी तो दिखेंगे थोड़ी देर में। होटल का इंटीरियर ग्राउंड फ्लोर, इधर है लिफ्ट।
इसमें से लिफ्ट है, इतना छोटा सा नहीं चलेगा, लिटरली इतना छोटा, मतलब वन हैंड। देखो देखो कुर्सी, देखो कुर्सी, कुर्सी का कुर्सी का क्या है, कैसी है, चलो ना लो, ओह माय गॉड, ठीक है पहले तुम लोग ना लो, अरे पहले कुर्सी का भी कैसी है, कैसी है, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, साइड अप तो कर ही सकते हैं, पांच लोगों का कमरा, इन पांचों का, चलो चलो आओ आओ, नहीं गिरेंगे, ऐसी दिया है क्या रे, कैसे हो, ये हो गए हम टोटल आठ।